प्रणाधार सुंदर साहब जी, आजकल चारों ओर धर्म के नाम पर बड़े बड़े महोत्सव मनाए तो जा रहे हैं, किंतु कोई ये नहीं समझता कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। आज से एक वर्ष पूर्व वडोदरा महानगर के अंदर बालिकाओं के लिए आध्यात्मिक गुरुकुल की स्थापना की गई थी। इस निजानंद संप्रदाय में ये पहला गुरुकुल लड़कियों के लिए खोला गया था। आज एक वर्ष इसके पूरे होने पर मुझे मातृशक्ति से बहुत कुछ कहना है। संसार को धर्म का स्वरूप बताना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जो सत्य है वही धर्म है, जो सत्य है वही परमात्मा है। इस प्रकार सत्य, धर्म और परमात्मा में किसी तरह का भेद नहीं दिखता, किंतु जब धार्मिक कर्मकांड कराए जाते हैं या धर्म के नाम पर बड़े बड़े महोत्सव किए जाते हैं और उसमें वैभव का प्रदर्शन होता है, तो यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या सच्चिदानंद परमात्मा को पाने का आधार ये बड़े बड़े धार्मिक क्रियाकांड है जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, एक तरफ भूख से बिलबिलाते हुए उन दीन दुखियों की पुकार को कोई सुनने वाला संसार में नहीं है, दूसरी तरफ परमात्मा को प्रसन्न करने के नाम पर जब लाखों के करोड़ों के सोने के कलश चढ़ाए जाते हैं, सोने के सिंहासनों का निर्माण किया जाता है, हीरे मोतियों के हार चढ़ाए जाते हैं, पानी की तरह पैसा इस तरह से बहाया जाता है बड़े बड़े टेंटों में लाखों रुपए लगाकर, तो प्रश्न यह होता है कि परमात्मा तो केवल धनिकों का है, राजा महाराजाओं का है, क्या परमात्मा के दरबार में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं? यदि ऐसा है तो उसको दिन बंद कहलाने का क्या अधिकार है? यदि परमात्मा किसी स्थान विशेष पर मिलता है, किसी मंदिर विशेष में मिलता है, तो इसका तात्पर्य है कि वो भी तो बंधन में है। धनी लोगों ने मंदिर बना लिया और ये दावा कर लिया कि परमात्मा बस इसी जगह बैठा है। हम वेद को देखें, उपनिषद को देखें, दर्शन को देखें तो परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है? हर हिंदू गीता को समान की दृष्टि देखता है, लेकिन गीता तो कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय मंदिर में परमात्मा है। लेकिन गीता का पाठ करने वाला एक पौराणिक सनातनी इस बात को हृदयंगम नहीं करता, वो तो इस धुन में लगा हुआ है कि गणेश जी की कितनी मूर्तियां बनाकर कुछ दिन पूजा करके उसको फिर पानी में बहवा देना है, दुर्गा की, लक्ष्मी की, सरस्वती की मूर्तियों को बनाना एक व्यापार चल गया है। वेद ऐसा नहीं कहते, उपनिषद दर्शन ऐसा नहीं कहते, वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा का कोई निर्माण कर सकता है या परमात्मा को सोने के कलशों से प्रसन्न किया जा सकता है। राजा महाराजाओं के महलों पर सोने के कलश हुआ करते थे, उसकी नकल आजकल मंदिरों में चल रही है। सच पूछा जाए तो मंदिर बनाने का विधान चार वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह उपांग, उपनिषद, शाखा ग्रंथ कहीं भी नहीं है। वेद ने स्पष्ट कहा है कि परमात्मा कहाँ है, वेन तत्पश्चित निहतम गुहा असत्य, परमात्मा हृदय मंदिर में है, परम गुहा में उसका साक्षात्कार होता है। उपनिषद ने स्पष्ट किया कि तत्पश्चित निहितम गुहायाम, वेदांत कहता है गुहाम पृष्ठो आत्मनो ही तत् दर्शनाथ। और तो और छोड़िए, श्री प्राणनाथ जी की वाणी डिंडिम घोष के साथ कहती है, ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन के लोभ। परम धाम या परमात्मा ऊपर नीचे नहीं है, वह तो ब्रह्मात्मा का हृदय है। कलयुगे मोमिन अर्श मनस्थ, ब्रह्मात्मा का हृदय सच्चिदानंद परब्रह्म का धाम है। मुसलमान भी ये पढ़ते हैं, लेकिन वो भी मस्जिदों के निर्माण में अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ये सोच बैठे हैं कि हम सुंदर मंदिर बना देंगे, सुंदर मस्जिद बना देंगे, या क्रिश्चियन सोचते हैं कि हम गिरजाघर बना देंगे तो साक्षात परमात्मा यहाँ आकर के विराजमान हो जाएगा। यदि हम चेतन प्राणियों के हृदय मंदिर में उस परमात्मा को नहीं खोज सकते, अपने हृदय मंदिर में उसकी खोज नहीं कर सकते, साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ यह है कि हमने आध्यात्मिक
के वास्तविक स्वरूप को जाना ही नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम हंसते खेलते आज स्वयं को देखते हैं, अपने इस पंचभौतिक शरीर को अपना स्वरूप माने बैठे हैं। कल्पना कीजिए, हमारे शरीर से जीव इसी क्षण निकल जाए तो क्या होगा? हमारा ये लौकिक जीवन समाप्त हो जाता है कुछ समय के लिए। यदि हमने परम तत्व को जान लिया होता है तो ब्रह्मानंद में हम विहार करते हैं, नहीं तो संसार वालों की नज़र में हम इस संसार से चले गए होते हैं। और हमारा किंतु वास्तविकता यह होती है कि हमारा जीव किसी न किसी योनि में प्रवेश करके पुनः एक नया जीवन प्रारंभ करता है। इसके पहले हमारे जीव ने लाखों जन्मों का धारण कार्य किया होता है। लाखों जन्मों में वो बालक बना होता है, युवा बना होता है, वृद्ध हुआ होता है, मरा होता है, शरीरों को धारण करता है। शरीर जन्म लेते हैं, शरीर बूढ़े होते हैं, शरीर की मृत्यु हो जाती है। जो चेतन तत्व है, जिसके हृदय में परमात्मा का वास है, उसको पाना, उसको जानना तो जीवन का स्वरूप लक्ष्य होना चाहिए, और उसको पाने के लिए ब्रह्मज्ञान का प्रकाश चाहिए। जब एक व्यक्ति भौतिक जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो उसको लगता है कि हमें सत्संग की आवश्यकता क्या है, हमें ज्ञान की आवश्यकता क्या है, हमें तो वैभव विलास चाहिए। लेकिन जब मृत्यु की घड़ी आती है तो उसको पता चलता है कि ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैंने तो अपना सारा जीवन ऐसे ही खो दिया। सृष्टि का सबसे बड़ा पुण्य कार्य क्या है? अंधकार में भटकती हुई मानवता को परम तत्व के ज्ञान का प्रकाश देना, उसको बताना कि तू कौन है, कहाँ से आया है, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि वह यथार्थ में पुरुष कौन है? पुरुष वही है जिसने उस परम तत्व को जान लिया। दाढ़ी मूछ वाले को पुरुष कहलाने का अधिकार नहीं है। पुरुष वह है जिसने परम पुरुष अक्षरातीत को जान लिया, वही पुरुष है, वही मर्द मोमनों की जमात है। एक राजा था, उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या जब बड़ी होती है तो नग्न हो रहती है। राजा रानी सभी हार करके थक गए कि तू नंगी क्यों रहती है। उसने कहा कि मैं नंगी ही पैदा हुई हूँ, नंगी ही रहूँगी, किसी का कहना नहीं मानती है। एक दिन एक महात्मा आते हैं, युवा हो चुकी होती है वो कन्या। महात्मा को देखकर उसने कपड़े पहन लिए। राजा रानी को बहुत आश्चर्य हुआ, पूछा कि बेटी इतने समय तक तू नग्न रही और आज तुमने कपड़े क्यों पहन लिए? और राजकुमारी बोलती है कि पिताश्री, आज जिस महात्मा को मैंने देखा है वो परमात्मा को जानता है, मेरी दृष्टि में वही पुरुष है। आप मेरे पिता हैं लेकिन मैं आपको पुरुष नहीं मानती, क्योंकि आप परमात्मा को नहीं जानते, आप तो स्त्री हैं। मेरे कहने का आशय यह है, यहाँ स्त्री और पुरुष से तात्पर्य है पुरुषार्थ वाले से है। वैसे शरीर की दृष्टि से दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन आत्मतत्व की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं होता। उपनिषदकार के कथन का आशय यह है कि जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है परमात्मा का साक्षात्कार, लेकिन आज भौतिकता के युग में इसको कोई महत्व नहीं देता है कि जीवन का सर्वोप लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लोग तो ये सोचते हैं कि हमने वैभव संग्रहित कर लिया, संतान की वृद्धि कर ली, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया, यही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन ये सारे लक्ष्य तो अधूरे हैं जब तक परम तत्व का बोध न हो जाए। और इस महान कार्य में जो सहयोगी बनते हैं वे धन्यवाद के पात्र ही नहीं, परम सम्मान के पात्र हैं। उन्हीं के ऊपर अध्यात्म का सारा ये महल खड़ा होता है। देखा जाए तो बड़े बड़े मंदिरों में अध्यात्म नहीं बसता। जिस मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था, उसके स्तंभ भी सोने के थे, हीरे मोतियों से शिवलिंग जड़ा था, लेकिन बताइए उसका परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गजनवी की गदा के एक वार से शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो गया और उसको ऊँटों पर लाद करके अपने देश ले गया। जिस शिवलिंग की स्तुति की जाती थी, हजारों पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण करके जिसका पूजन किया करते थे, वही गदा के प्रहार में टूट गया।
हमने अध्यात्म को इस तरह से हंसी का पात्र बना दिया है, जो अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, अनादि है, शाश्वत है, अनंत प्रेम, ज्ञान और आनंद का सागर है। उसको हमने एक शालिग्राम में खोजा, शिवलिंग में खोजा, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों में खोजा, अलग अलग मंदिरों में, मस्जिदों में उसको हम खोजते फिरते हैं। हम अपने हृदय मंदिर में उसको खोजने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर वो अखंड का ज्ञान नहीं होता है। जब तक अखंड तत्व का बोध न हो, परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा, इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता। और इस उद्घोष को करने वाले महान विद्वान या महान विदुषियों का निर्माण नहीं होता, तब तक संसार में अंधविश्वास ही फैलता रहेगा। आज देखा जाता है सारे देश में कि एक एक धार्मिक महोत्सव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, जबकि इस देश में 70% लोगों ने वेद को देखा ही नहीं है। पढ़ना तो दूर की बात है, आप सोचिए, लगभग 40% हिंदुओं को गायत्री मंत्र याद नहीं है। 40-50% हिंदुओं से पूछा जाए कि वेद का मंत्र बता दो, संभव ही नहीं है। वेद का मंत्र तो छोड़िए, गीता का पहला श्लोक तक याद नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जब ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होगा तो मंदिर में रहने वाले भी उस परम तत्व को क्या जानेंगे। मंदिर है क्या, ईंटों का एक महल ही तो है, उसमें सजावट कर दी जाती है और अब जिस किसी महापुरुष को हम अपना इष्ट मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उसकी मूर्ति बना दी जाती है। हम परमात्मा का निर्माण करते हैं, उसको प्रसन्न करने के नाम पर सोने के अलंकरणों से उसको सुसज्जित करते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा खुश हो गया। ऐसे भी तो मंदिर है जिसमें समय पर भोग नहीं लगता। क्या परमात्मा भूखों रहता है, जो सारी सृष्टि को आहार देता है। हम कहते हैं कि ठाकुर जी को आज भोग लगाने के पैसे नहीं है, अर्थात हमने परमात्मा को तो एक भिक्षुक बना दिया। जिसकी कृपा दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय होता है, उसको हम भिखमंगे की तरह एक मंदिर में बैठा करके रख देते हैं। इससे बड़ा उपहास क्या होगा। संसार में जब तक सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा, आज भारत में लगभग 90 करोड़ के आसपास हिंदू रहते होंगे। आज पूछिए 90 करोड़ हिंदुओं में कितनों को वेद का स्वाध्याय है, उपनिषद का स्वाध्याय है, गीता का स्वाध्याय है, वेदांत का स्वाध्याय है। प्राणनाथ जी की तारतम वाणी को हमने कहाँ तक फैलाया। और इसके लिए आवश्यक है कि हम भूखों रहकर भी ज्ञान के प्रकाश का दृढ़ संकल्प करें। और इसमें हमारा दृढ़ संकल्प तो कार्य करेगा, हमारे तन, हमारा मन, हमारी प्रज्ञा और हमारे हृदय का समर्पण ही महान भूमिका निभाएगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, केवल धार्मिक क्रियाकांडों को करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हैं और सोचते हैं कि हमने अपने कर्तव्य की तिथि कर ली, तो इससे कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने वाला है। यदि सारा हिंदू समाज इस बात पर सहमत हो जाए कि हम धर्म के नाम पर जो अर्थ का व्यय कर रहे हैं क्रियाकांडों में, चाहे गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, या भिन्न भिन्न जो प्रवचन के कार्य भी करते हैं, उसमें सजावट को हम हटा दें, जगह जगह शिक्षा केंद्र स्थापित करें, जगह जगह धर्म ग्रंथों को निःशुल्क बांटें, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हम धर्म ग्रंथ उपलब्ध कराएं, स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगाएं, सबको ध्यान करना सिखाएं, तो मैं समझता हूँ इस देश का और इस संसार का बहुत भला हो सकता है। जो परमात्मा सहज ही प्राप्त होने वाला है, केवल प्रेम से प्राप्त होने वाला है, उसको हम कर्मकांडों से प्राप्त करना सिखाते हैं कि अमुक स्थान पर जाएंगे, लाइन लगा करके दर्शन प्राप्त करेंगे तो हमें मोक्ष हो जाएगा। जिस परमात्मा को हृदय मंदिर में स्थापित कहा गया है कि वो आत्मतिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम, यानी जिस आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा है, जिसे आत्मा को बोध नहीं हो पाता, उस परमात्मा को जानना, उसको देखना, उसको प्राप्त करना, उसके आनंद में डूबना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और यह सत्य है, गुरुकुल की संस्कृति अलग है और मंदिरों की संस्कृति अलग है। मंदिरों में तो अंधाधुंध चढ़ावा चढ़ रहा है। मंदिरों में रहने वाले जो भी होते हैं, वे अपने इष्ट की मूर्ति को प्रसन्न करने में ही सारे जीवन का पुरुषार्थ लगा देते हैं। वो नहीं सोचते कि हम संसार के सभी प्राणियों में उस परमात्मा की छवि को देखने का प्रयास करें, जो परमात्मा
अक्षर अक्षर से परे है, जिसके लिए वेद कहते हैं यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोके स्वहितम तस्मिन माँ दे पावन अमृते लोके अक्षित इंद्रा इंद्रो परिस्रवा। हे मेरी आत्मा, तू उस परब्रह्म के प्रति अपने हृदय में प्रेम का प्रवाह बनाए रख और उस धाम में चल ध्यान द्वारा जहाँ अनंत ज्योति है, अनंत आनंद है। इस नश्वर जगत से परे जहाँ योग माया का ब्रह्मांड है, उसके परे परम धाम है, उसका ज्ञान देने के लिए हमें कृत संकल्पित होना होगा। और इस प्रयास में हमें कितने भी कष्ट झेलने पड़े, आपस के राग द्वेष को समाप्त करके संसार पर करुणा की दृष्टि रखते हुए, हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो हम उसके प्रति करुणा रखें कि यह तो अज्ञान में फंसा है, पत्थर फेंक रहा है। हमारा कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। हम किसी के विनाश का संकल्प न करें, हम सब पर दया भाव रखें कि सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, सबके हृदय में परमात्मा की छवि बसे, सभी परमात्मा को जाने। इसके लिए एक बड़े स्तर पर विद्वानों का, विदुषियों का निर्माण करना होगा। ऐसे विद्वान और विदुषी हों जिनके हृदय में ज्ञान हो, भक्ति हो, विवेक हो, वैराग्य हो, सील हो, संतोष हो। जब तक ज्ञान और भक्ति की गंगा यमुना का प्रवाह नहीं बहेगा, तब तक इस संसार का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना, जिनको देखने पर ऐसा लगता है कि ये मंदिर नहीं बल्कि राजमहल है, कभी भी सृष्टि को सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जा सकती। वहाँ तो केवल चढ़ावा चढ़ेगा, वहाँ कौन वेद पढ़ाएगा, वहाँ कौन उपनिषद पढ़ाएगा, वहाँ कौन ध्यान सिखाएगा, वहाँ तो केवल मात्र पंडागिरी ही चलेगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम कुछ विशाल और आलिशान मंदिर न बनाएं, बल्कि हर प्राणी के हृदय को मंदिर का रूप दे दें जिसमें साक्षात परमात्मा बसता है, क्योंकि परमात्मा केवल आत्मा के हृदय में ही वास करता है। यह भाव जब हम ले लेंगे तो संसार के सभी प्राणियों से हमारा वैर भाव समाप्त हो जाएगा, तब वेद का यह कथन सार्थक होगा, तत्र कह मोह कह सोका यो एकत्वम अनुपस्थित। जो सभी प्राणियों में एक चेतना का साक्षात्कार करता है, उसके लिए मोह और शोक नहीं होता। मोह और शोक तो उनके लिए है जो राग और द्वेष की भावना से ग्रसित हैं, जो प्रकृति के बंधन में हैं। जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, उसके लिए पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए भोग का कोई महत्व नहीं है। उसको अन्य लोगों की तरह किसी मूर्त के आगे हाथ जोड़ने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसने अपने हृदय में सर्वशक्तिमान उस परमात्मा को धारण कर लिया है, जिसके लिए वेद कहते हैं आदित्य वर्ण है तमस प्रस्तात। तारतम वाणी का प्रकाश वेद के, उपनिषद के, दर्शन के, कुरान के, बाइबल के सारे रहस्यों को उजागर करने वाला है। लेकिन आज तारतम वाणी मंदिरों की शोभा की केवल वस्तु बनकर रह गई है। यह तारतम वाणी केवल निजानंद संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आई है। तारतम वाणी के प्रकाश में ही तो सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तारतम वाणी के अनुयायी भी अपना सारा ध्यान मंदिरों के निर्माण पर ही लगाए हुए हैं। वो ये नहीं सोचते कि परब्रह्म की वाणी के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है, और इस ब्रह्मवाणी को हम सबके हृदय में फैलाएं, न कि सोने के लाखों करोड़ों रुपये के कलश चढ़ाएं, जिन कलशों के निर्माण में हम लाखों रुपये पानी की तरह उड़ा देते हैं। हम सोचें ऐसे गरीब सुंदर साथ भी तो हैं जिनके पास तारतम वाणी की एक प्रति लेने के लिए भी पैसे नहीं होते। हम उन सुंदर साथ तक तारतम वाणी का प्रकाश फैलाएं, अलग अलग भाषाओं में उसकी व्याख्या करें, अलग अलग तरीके से सबको समझाएं और पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी को परम धाम का ध्यान करने की प्रक्रिया तो सिखा दें। इसमें कुछ भी खर्च तो नहीं होता, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे की तरह आज ब्रह्मवाणी की गूंज करने वालों की संख्या है, और देखा जाए तो जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। धर्म की ध्वजा लेकर के आगे चलने वालों ने ये निर्णय कर लिया है कि ब्रह्मज्ञान का प्रकाश नहीं फैलने देना है, केवल सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करना है, उसमें बड़े बड़े धार्मिक महोत्सव आयोजन करने हैं, और स्वयं ही वैभव विलास में डूबे रहना है। ये धर्म का मार्ग नहीं है, धर्म की चादर ओढ़कर एक बहुत बड़ा व्यापार है। मेरे ये शब्द हो सकता है किसी को आहत करें, लेकिन अंतरात्मा की यदि हम पुकार सुनेंगे तो यही निर्णय लगेगा कि आज समय है हम भूखे रह कर भी अधिक से अधिक विद्वानों और विदुषियों को पैदा करें।
ये जब ब्रह्मवाणी की पताका लेकर के संसार में चलेंगे, इनके हृदय में ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य का प्रकाश होगा, तो ये सारे संसार को आध्यात्मिकता के वास्तविक रस में डुबो देंगे। मातृशक्ति केवल नाचने कूदने के लिए नहीं है, वो केवल चूल्हा चक्की के लिए नहीं है, उसको मदालसा की राह अपनानी पड़ेगी, अपाला और घोसा की राह अपनानी पड़ेगी, गार्गी की राह अपनानी पड़ेगी, जिनके मुख से परमधाम की वाणी गूंजे। धर्म और तत्व पर मनन करने वाली ये विदुषियाँ संसार को मार्ग दिखा सकती हैं। सच है कि यदि मातृशक्ति ही अध्यात्म से रहित होगी तो पुरुष तो स्वाभाविक रूप से अध्यात्म से विमुख हो जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृत का उद्घोष है कि नारी निर्मातृ भवति। माता यदि अध्यात्मवादी है तो उसकी संतान अवश्य होगी, और इसके लिए मैं गुरुकुल में जो भी सहयोग कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रार्थना है कि तारतम वाणी का प्रकाश फैलाने के लिए जिस प्राणनाथ ज्ञान केंद्र में बालिका गुरुकुल की स्थापना की गई है, इसमें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत हो। आज 16 लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ स्वप्न कि कभी इसमें सैकड़ों बालिकाएं होंगी, सैकड़ों विदुषियाँ तैयार होंगी और सारे देश में वाणी की गूंज फैलाएंगी। मेरी यही शुभकामना और यह संदेश सारे देश में फैले, विश्व में फैले और संसार के हर कोने से ब्रह्मवाणी का प्रकाश फैलाने के लिए विदुषियाँ तैयार हों। उन विदुषियों के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम प्रणाम।